श्री हरिकृष्ण हाइट्स येथे अत्यंत व्याजबी दरात 25 अमेनिटीज आणि प्रशस्त पार्किंग सह 2 आणि 3 BHK रेडी पोझिशन फ्लॅट्स उपलब्ध. बुकिंग साठी संपर्क पार्श्वनाथ बिल्डर्स 9090787833. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 14 ऑगस्ट रोजी विभाजन विभीषिका अर्थातच फाळणीच्या वेदना स्मृती दिवस पाळण्याचा संकल्प भारतीय जनता पार्टीने केलाय, अशी माहिती भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी दिली आहे. माधव भंडारी यांनी नाशिक भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे. देशाचे विभाजन झाल्यामुळे झालेल्या वेदनांचे स्मरण ठेवण्यासाठी तसेच फाळणीच्या वेळी ज्यांनी प्राण गमावले त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन यावेळी भंडारी यांनी केले. भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश निर्माण करून अखंड भारताच्या नकाशाला छेद दिला ही कृती कधीच विसरता येणार नाही. या दिवशी मुकमोर्चा, मशाल मोर्चा, सभा, परिसंवाद असे विविध कार्यक्रम देशभर जागोजागी केले जातील असेही भंडारी यांनी सांगितले. विभाजन विभीषिका दिन मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है. यह दिन हम गत कई सालों से मनाते आए हैं. इस दिन के माध्यम से 1947 में देश का जब विभाजन हुआ उस वक्त लाखों लोगों का बलिदान हुआ, लाखों लोगों के अपनी जान गंवानी पड़ी, लाखों महिलाओं पर अत्याचार हुए, लाखों परिवार बेघर हुए. इन सभी लोगों की जो कुर्बानियां हैं, इन सभी लोगों का जो त्याग है, इन सभी परिवारों की जो वेदनाएं हैं, उनकी याद पूरे देश को दिलाने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे, करते रहे हैं. कई सालों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं. इस साल भी इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में मूक मोर्चा, मशाल मोर्चा, छोटी मोटी सभाएं, परिसंवाद, चर्चा सत्र और विभाजन से संबंधित साहित्य के छायाचित्रों की प्रदर्शनी, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे. एक सप्ताह भर ये कार्यक्रम चलेंगे. इस कार्यक्रम में शामिल होने का आवाहन हमारे देश के नेता माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने किया है और हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता इसमें शामिल होगी. भाजपच्या या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन भंडारी यांनी केले. ब्युरो रिपोर्ट, 9 न्यूज, महाराष्ट्र.